जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ भारतीय राष्ट्रवाद पर लिखी गई एक बुक, जिसे एस इरफान हबीब द्वारा लिखा गया है और राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों, इस बुक में भारतीय राष्ट्रवाद के नए नए आयाम दिए गए हैं। मतलब जैसे जो हमारे राजनेता हुए उनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद किस तरह परिभाषित किया गया था उसके बारे में दिया गया। आप देख सकते हैं ये राजनेताओं का नाम है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस जैसे राजनेता हुए हैं, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद को किस प्रकार परिभाषित किया गया था। उनके बातों को बहुत ही सरल तरीके से और कहानी के रूप में दोस्तों दिया गया है। देखिए, 399 की बुक है ये, आपको 30% के छूट या 25% के छूट तक लगभग 290 तक के करीब में मिल जाएगा ये बुक आपको। देख सकिए, चलिए आपको इसके लेसन को दिखाते हैं, प्लस इसके दो राजनेताओं का, जैसे जो गांधी जी हुए या भीमराव अम्बेडकर हुए, उनके वक्तव्यों को दिखाएं कि उनके अनुसार राष्ट्रवाद क्या है। आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रवाद एक अनिवार्य पाठ इसका नाम है, और आपको अंदर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका पहला ही संस्करण मई 2023 में प्रकाशित किया गया है। ये देखिए, इसका मैं लेसन दिखाता हूँ, राष्ट्रवाद और संस्कृत की प्रारंभिक उदार दृष्टि, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके द्वारा क्या कहा गया है, धर्म केंद्रित राष्ट्रवाद क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनके द्वारा बताया गया है। आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए तीसरा इसका यूनिट जो है, और फिर उसके बाद ये चौथा देखिए, और आप देख सकते हैं उसके नीचे जितने भी राजनेता हैं उनके राष्ट्रवाद के बारे में जो उन्होंने अपनी अवधारणा दी है उसको बताया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, आपको मैं सब लेसन दिखा रहा हूँ, आप पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। आपको इसमें मैं गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर द्वारा क्या बताया गया राष्ट्रवाद के बारे में वो दिखाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस समय राष्ट्रवाद कितना चर्चित मुद्दा है, उसी पे बुक लिखी गई है कि राष्ट्रवाद को तोड़ मरोड़ कर ना बताया जाए, बल्कि जो राष्ट्रवाद का सही मायने है उसको सबको मतलब। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं एक किताब के बारे में लिखा गया, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप इसको पढ़ के जान जाएंगे कि इसमें किस प्रकार राष्ट्रवाद के बारे में बातें रखी गई हैं। ये देखिए आपको, चलिए हम दिखाते हैं गांधी जी द्वारा जो राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया है। दोस्तों, पेपर क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, प्लस इसका फॉन्ट साइज भी लेटर का बहुत अच्छा है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, ना तो ज़्यादा छोटा है ना तो बहुत बड़ा है। और ये बुक दोस्तों UPSC बच्चों के साथ साथ जो बच्चे इतिहास की समझ रखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ना तो आप देख सकते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। ये आपको हम दिखाते हैं गांधी जी द्वारा किस प्रकार, ये देखिए, समानुभूति और राष्ट्रवाद, गांधी जी द्वारा बताया गया सर राष्ट्रवाद के लिए घृणा जरूरी है क्या। उसके बाद आप देख सकते हैं, पहुंच करके आप देख लीजिए किस प्रकार बताया गया है, इसमें कहानी की तरह स्टार्ट किया है दोस्तों, इसमें अपनी बातों को कहने, आप देख सकते हैं, पहुंच करके अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं, आप पहुंच करके अच्छे से इसके लेसन को पढ़िएगा, देखिएगा आपको कितना आसान लगेगा इसका लैंग्वेज, और राष्ट्रवाद की एक नई समझ आपके अंदर विकसित होगी। ये पूरी बुक ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लिखी गई है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आप इसको पॉज करके अच्छे से देखिएगा, ये देखिए राष्ट्रवाद बनाम अंतर, ये देखिए दोस्तों राष्ट्रवाद बनाम अंतर्राष्ट्रीयतावाद के बारे में बताया गया है गांधी जी द्वारा। आप देख सकते हैं, ये देखिए खत्म हो गया। आप फिर आपको हम भीमराव अम्बेडकर का दिखाते हैं, उनके अनुसार राष्ट्रवाद को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, ये देखिए राष्ट्रवाद परिभाषित, ये देखिए पहले पेज में भीमराव अम्बेडकर के बारे में दिया गया है,
उसके बाद दूसरे पेज से उनका स्टार्ट है, किससे बनता है राष्ट्र, आप देख सकते हैं। आप पॉज करके अच्छे से पढ़िएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये कितने अच्छा बुक है जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लिखा गया है। बुक पढ़ के उसके बाद आप जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों कि आपको ये बुक पढ़ के कैसा लगा, देख लीजिए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे इस बुक की जानकारी अधिक लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों आप लोग बुक का रिव्यू देख लेते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आगे भी ऐसे ही बेहतरीन बुक का रिव्यू मिलता रहे, जिससे आपको कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बेहतरीन बुक मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है, जो इसमें ये पॉइंट दिए गए हैं ये उनके द्वारा कहा गया है सबको, ये सभी द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इसमें इंक्लूड किया गया है, आप देख सकते हैं। आप पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसलिए आपको मैं इन दो राजनेताओं का, गांधी जी और अम्बेडकर जी के जो भी राष्ट्रवाद के प्रति इनकी अवधारणा है उनको यहाँ ने पूरा रिव्यू किया है, और बहुत से राजनेता हैं दोस्तों जिनके द्वारा इसमें बताया गया है उस सब के बारे में इसमें अच्छे से लिखा गया है, लेकिन हम आपको अगर वो दिखाने में बजेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आपको मैं केवल दो दिखा रहा हूँ जिससे आप पढ़ के ही इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं कि ये बुक कितना इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लिखी गई जो बुक है आप देख सकते हैं। ये देखिए आप इसका लास्ट में देखिए कितने अच्छे से बताया गया है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, अच्छा राष्ट्रवादी कौन है, इन सब के उत्तर आपको इस बुक को पढ़ने से मिल जाएंगे। आप देख लीजिए इसका प्राइस जो दिया गया है ये 399 है, लेकिन आपको 25 से 30% की छूट पर दुकानों पर मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी उपलब्ध है ये बुक। चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।